देखिए प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा बार चीजों को रिपीट करेंगे, उतना ही बढ़िया तरीके से याद होगा। अगर आप ऐसा समझते हैं कि एक बार पढ़ा और तुरंत याद हो जाएगा, तो भैया देखिए ऐसा तो नहीं हो पाएगा। यदि आप अपनी कंपैरिजन मुझसे करने लगे तो फिर जीवन भर दुखी रहना पड़ेगा भाई। देखिए, क्योंकि आई एम अ टीचर, मेरा काम पढ़ाने का है। मैं टीचर हूं, आप लोगों का इंस्ट्रक्टर हूं, और जो चीजें मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, वो सारी की सारी चीजों को मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं, मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं। 7-8 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में, दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाते हुए, हिस्ट्री भी और पॉलिटिक्स भी, है ना। हिस्ट्री में तो ज्यादा लगता होगा यार, ये सर फ्रीक्वेंटली और फ्लो में इतनी सारी तारीखें कैसे याद कर लेते हैं, इतना कुछ कैसे लिखवा देते हैं। जब हम लोग आप लोगों की तरह पढ़ा करते थे अपने अध्यापकों से, अपने टीचर्स से, तो हमें भी ऐसे ही लगता था कि यार ये टीचर शायद भगवान ने इसको फुर्सत के पलों में बनाया है और इसका जन्म ही दैवीय योजनाओं के अनुसार हुआ है। हमें भी ऐसे ही लगता था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो चीजें दिमाग में बैठेंगी। ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीजों को याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस ये है कि उनको बार बार रिपीटेडली आप पढ़ते रहिए। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, है ना, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। बस ऐसा ही कुछ करना है आपको। जब महामूर्ख कालिदास भी महाविद्वान या महाकवि कालिदास बन सकता है, तो फिर तो आप तो फिर भी ठीक है। आप कम से कम कालिदास की तरह उसी डाल को तो नहीं काटते होंगे जिस डाल पर बैठे रहते होंगे। तो सिंपल सी बात है। तो देखिए, याद करने का जो तरीका है, ठीक है, वो आपको खुद ही निजात करना पड़ेगा, वो आपको खुद ही इन्वेंट करना पड़ेगा, वो खुद ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई शॉर्टकट नहीं है चीजों को याद करने का। बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो चीजें अपने आप ध्यान में आएंगी, चीजें अपने आप याद होती चली जाएंगी। हाँ, बस जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें, मैं सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ें, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए। जीएस ज्यादातर लोग मजबूरी में पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में आनी निश्चित है, एग्जाम के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, इसलिए हम लोग परेशान होकर मजबूरी में जीएस को पढ़ते हैं। जिस दिन मजबूरी में जीएस को पढ़ना बंद कर दिया और जिस दिन मजे लेकर, आनंद लेकर जीएस को पढ़ने की शुरुआत कर दी, बस उसी दिन से याद होने लगेगा। ये बहुत जरूरी बात है, इस चीज को फॉलो करके देखिए। यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपके अंदर हिस्ट्री को पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उतनी उत्सुकता जागरूकता होनी चाहिए कि आप जो भी चीजें पढ़ें उसमें आपको मजा आए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई इसमें टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिससे भी हम पढ़ते हैं या जो भी हमें पढ़ाता है, उसमें उस टीचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब बेशक, चलिए मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, लेकिन यदि मैं आपको कुछ भी पढ़ा रहा होता, तो यदि मैं उस सब्जेक्ट के लिए आपके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहा हूं या उसके लिए उत्सुकता डेवलप कर पा रहा हूं, तो ठीक है, आई एम अ गुड टीचर, तो ठीक है, फिर पैसे वसूल है आपके।